वेलकम टू कुकिंग सुकिंग प्रिया। आज मैं आपको राजस्थानी फेमस आलू मसाला बाटी बनाना बताऊंगी, जो बिल्कुल ही कम घी में बनाना मैं आपको बताऊंगी। और ये बाटी मैं आपको दो तरीके से बनाना बताऊंगी। दो तरीके में से आपको जो तरीका पसंद आए आप उससे बना सकते हैं। ये मैंने कढ़ाई में बनाई है, ये मैंने अप्पे मेकर में बनाई है। आप देख सकते हैं कि अच्छी बाटी बनकर तैयार हुई है। मैं इसको खोल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बहुत ही अच्छी बाटी हमारी बनी है, बिल्कुल सॉफ्ट बाटी हमारी बनी है, आप देख सकते हैं। तो ये बाटी मैंने कैसे बनाई है, तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। 2 कप हमें चाहिए गेहूं का आटा। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन, नमक डालेंगे 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया हल्दी पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे घी, तो 6 टीस्पून इसमें हम घी ऐड करेंगे। घी हमें पिघला हुआ लेना है। इस तरह सभी को अच्छे से मिक्स करना है और हल्का गुनगुना पानी से हमें इसका डो लगाना है। ज़्यादा सख्त डो हमें नहीं लगाना है। इतना हमें मोयन डालना है कि हमारी जो है मुट्ठी बन जाए। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे। इस तरह हमें अच्छी तरह से इसको मेश करना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। इतना हमें डो लगाना दे सकते हैं, ज़्यादा टाइट भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। इस तरह का हमें डो लगाना है। अब डो को सेट होने के लिए हम 5 से 10 मिनट के लिए रख देते हैं इसको ढक के। आटा सेट होता है तो चलिए पहले हम आलू की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए पैन में मैंने 3 टीस्पून घी ऐड किया है, उसमें मैं डालूंगी जीरा। तो 1/2 टीस्पून मैंने इसमें जीरा डाला है। 1 पिंच इसमें डालेंगे हम हींग, इससे खुशबू अच्छी आती है। अब हम डालेंगे इसमें 1/2 कप मटर, ये मेरे प्रिजर्व किए हुए मटर है, ये इसमें हम ऐड करेंगे। आप जानना चाहते हैं कि मटर को प्रिजर्व कैसे करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे लिख के बताएं। 2 बारीक हरी मिर्च मैंने कट की है, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ली है अदरक, वो भी हम इसमें डालेंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कम फ्लेम पे। हमें इनको 2 से 3 मिनट तक पकाना है। ये अच्छे से पक गए हैं तो इसमें हम 2 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज मिलाएंगे। आप चाहे तो इसको स्टीप भी कर सकते हैं। इन्हें भी हम एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। 2 से 3 मिनट तक इसको हमें पकाना है। इसी बीच हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून डालेंगे हम हल्दी पाउडर। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक और हल्दी डालने से प्याज जो है अच्छी तरह से भून जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे। 1/2 टीस्पून अब हम डालेंगे इसमें अधकचरा हरा सूखा धनिया, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हम डालेंगे रोस्टेड की हुई कसूरी मेथी और सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। और 5 मिनट तक हमें इसको पकाना है ताकि मसाले जो है अच्छी तरह से पक जाए। 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर डालने से टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। सभी को मिक्स कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं, इसको हम इसमें डाल देंगे। सभी को आलू को हाथ से हमें चूरा कर लेना है और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें कम ही रखना है। तो यहाँ पर सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। गैस की फ्लेम को अब हम कर देंगे बंद और स्टफिंग को होने देंगे थोड़ा ठंडा। स्टफिंग को मैं एक बाउल में ट्रांसफर कर लेती हूँ। स्टफिंग ठंडी होती है जब तक हम लोया बना के तैयार कर लेते हैं। तो आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। इसमें तेल ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून से भी कम और एक बार हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह हमें इसको अच्छी तरह से मथना है 2 से 3 मिनट तक ताकि डो जो है अच्छे से चिकना हो जाए। तो इसको हम लंबा लंबा कर लेंगे ताकि लोया बनाने में हमको आसानी रहे। इस तरह डो को मैंने 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। अब छोटी छोटी सी जो है हम लोया बनाएंगे, बिल्कुल नींबू के आकार के हमें लोया बनानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है हमें। इस तरह हम सारी लोया बना के रख लेते हैं।
ज़्यादा बड़े बनाएंगे तो मसाला बाटी में जो है आटा ज़्यादा आएगा, मसाला कम आएगा, इसलिए हमें ज़्यादा मोटी लोइयाँ नहीं बनानी है, छोटी साइज की ही बनानी है। सभी लोइयाँ मैंने बना ली है, एक लोई को हम उठाएंगे और इस तरह हमें गोल गोल करते हुए दबा के इसका एक पेड़ा बनाना है, और पेड़ा बना के हमें इस तरह इसको दबाते हुए बढ़ाना है। आप देख सकते हैं इतना, आप चाहे तो बेलन की मदद से, चकले की मदद से भी कर सकते हैं। हमने जो आलू की स्टफिंग तैयार की थी वो हम इसमें भर देते हैं, थोड़ा सा स्पून की मदद से हम लेंगे, इस तरह हमें इसको भरना है। और सभी को एक साथ हमें इस तरह पकड़ते हुए इकट्ठा करना है। ये देखिए इस तरह बड़ी आसानी से हो जाती है, और इस तरह हमें इसको गोल गोल शेप देते हुए इस तरह हमें इसको बनाना है। एक बार और दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखिए इस तरह इसको उठाते हुए गोल गोल करते हुए राउंड में, और इसको हमें प्रेस करना है, और इसको इस तरह हम दबा देंगे और हमारी बाटी का जो शेप है बिल्कुल तैयार है। ये देखिए सारी बाटी जो हमारी बनकर तैयार हो गई है। आप चाहे तो स्टफिंग में काजू वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग घर में ही बनाते हैं तो इसलिए मसाला बाटी जो है सिंपल खाना ही पसंद करते हैं। अब इन बाटियों को हम सेकेंगे। बाटी हम दो तरह से बना रहे हैं, तो पहले हम अप्पे मेकर में बाटी बनाएंगे। तो अप्पे मेकर को मैंने ऑन कर दिया है, थोड़ा थोड़ा सा जो है हम इसमें घी ऐड करेंगे, ज़्यादा घी हमें नहीं डालना है। गैस की फ्लेम को हम कम कर देते हैं। जो बाटी हमने बनाई थी एक एक करके हम एक एक खांचे में रखते जाएंगे, और गैस की फ्लेम को कम रखना है हमें। इस तरह मैंने सभी बाटियों को इसमें रख दिया है, इसको अब हम ढक देते हैं और कम फ्लेम पे ही हम इसको सिकने देंगे। मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने घी ऐड किया है, घी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, कम ही डालना है। तो एक एक करके बाटी हम इसमें डालते जाएंगे। बाटी को हम डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने घी थोड़ा ही डाला है। सभी बाटी को मैंने इसमें डाल दिया है, तो कम फ्लेम पे हमें इन्हें पकाना है। बीच में हम इन्हें चलाते भी जाएंगे। अप्पे मेकर में भी जो हमने बाटी डाली थी उसको हम पलट देते हैं, वो भी सिकने लग गई है, और धीरे से हल्का सा हम घी ऐड करेंगे थोड़ा सा, और कम फ्लेम पे ही हमें इनको सेकना है। इस तरह आप देख सकते हैं हल्के गोल्डन ब्राउन कलर की ये होने लग गई है, और इन्हें हम ढक देंगे। बाटी को भी अब हम चेक कर लेते हैं, इन्हें भी हम पलट देते हैं, ये भी हल्की हल्की सिकने लग गई है। इस तरह कम फ्लेम पर हमें इनको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है, चारों तरफ से उलट पुलट करके हमें इनको सेकना है, और जब तक गोल्डन ब्राउन कलर की नहीं हो जाती तब तक हम इनको पकाएंगे। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही टेस्टी है, आप जरूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। ज्यादा इसमें घी भी नहीं लगता है, क्योंकि हम यहाँ बाटी को डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं। दो तरीके से मैं आपको ये बाटी बनाना बता रही हूँ, आपको जो तरीका पसंद आए आप उस तरीके से बना सकते हैं। कढ़ाई में जो बाटी हमने फ्राई की है वो सिक चुकी है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, चारों तरफ से जो है बाटी अच्छी सिक गई है। तो चलिए इन्हें अब हम निकाल लेते हैं। दोनों तरह की बाटी हमारी सिक कर तैयार हो गई है। ये जो व्हाइट प्लेट में आप देख सकते हैं, ये हमने कम घी में फ्राई की थी, जो हमने पैन में फ्राई की थी कढ़ाई में वो वाली बाटी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सिक कर तैयार हुई है। ये देखिए सारी बाटी हमारी अच्छी बनकर तैयार हुई है। कि जो बाटी है ये हमने अप्पे मेकर में बनाई थी, ये भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बाटी हमारी सिक कर तैयार हुई है। इस तरह आप कोई से भी तरीके से बना सकते हैं। बाटी बनाते समय हमें इतना ही ध्यान रखना है कि इसका जो हम डो लगाएंगे वो ज्यादा हार्ड नहीं लगाना है, और डो को हमें अच्छी तरह से गूंथना है, और जब हम बाटी को फ्राई करेंगे तो कम फ्लेम पे ही हमें इन्हें फ्राई करना है। यदि फुल फ्लेम पे हम फ्राई कर देंगे तो बाटियां सिक तो जाएगी लेकिन वो अंदर से कच्ची रह जाएगी।
तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।